शादी ही गलत थी, हम दोनों की सबसे बड़ी गलती। हमारी शादी को तुमने एक गलती बताया, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी शादी गलती है या नहीं। गेम शुरू करने से पहले एक बार फिर से रूल समझा दूं आपको। यस प्लीज। क्या कि फिर ऐसा ना हो कि गेम शुरू हो जाए फिर ये कहें कि सॉरी मुझे गेम्स के रूल्स ही नहीं पता थे। यू नो व्हाट आई मीन। खैर आप तो जानते ही हो ना कि गेम कैसे खेला जाता है। वाइफ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो बंद आंखों से अपने हस्बैंड को ढूंढती है। तो जैसे भी, मतलब खुशबू से, उनके एहसास से, आपको जैसा ठीक लगे। कुछ लोग आपको जेन्युइन हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि ये यहां रहे आपके पति, नहीं नहीं कहीं और ही खड़ा है। और कुछ लोग आपको आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर आपका दिल जानता है कि आपके हस्बैंड कहाँ खड़े हैं। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। Just don't give me any excuses, okay? चुपचाप यहां से जाओ। पर दादी ने कहा। मैंने कहा ना, get out। बात समझ में नहीं आई। मैं तो अपने काम से जा रहा था, वो भी कोई काम नहीं कर रही थी, मुझे इतना डांटा क्यों? रॉबिन ना सही बता रहा था, ये बहुत बुरी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आई थिंक मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जो मेरी दादी ने बोला है मुझे वही काम करना होगा। जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलो चलो जल्दी गेम शुरू करो। बांधिए भाभी, आप ही का तो गेम है। हाँ बिल्कुल। देख भी रहा होगा ना तो मुझे तो चलेगा। अरे पर डांडिया किधर गए? ओहो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मिस्टर सिंह मेरे पति हैं, लेकिन मेरी उनसे शादी हुई नहीं। शादी जिनसे हुई है वो तो प्रज्ञा, ये लो डांडिया, इससे अपने पति को छूना, ये लो। नहीं इससे नहीं, अब आप अपने हाथों से ही अपने पति को छूकर ढूंढेंगे। आलिया मैम तो नहीं है, फिर कहाँ गई होंगी? चाकू स्लो हो गया हो तो अपनी जुबान से काट लो ना, जो कैची की तरह तेज चलती। ऐसे नहीं बोल के मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर लो। रोनी सिंह तुम्हें कुछ और भी बोलना चाहिए। I swear, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें बता दी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मन में मत बोलो, जोर से बोलो। सॉरी प्लीज, दैट्स मोर लाइक। रॉबिन से बोलूंगा कि मुझे इस घर में परमानेंट करवा दे, बोलेगा तो कम पैसों में कर लूंगा,
पर इतनी अच्छी फैमिली को छोड़ के कहीं काम नहीं करूंगा। मैं बाहर देख के आती हूँ। क्या सीधे सीधे बेटा सीधे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आलिया मैम को बुलाने आया था। किस लिए? वो मैं भूल गया। भूल गए या झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ याद आया, वो इद्दू दादी ने मुझे भेजा था, वो गिफ्ट मंगवाया था जो दिशा मैम को देंगी। तुमने यहाँ कुछ देखा? कुछ पूछ रही हो तुमसे जॉन, देखा तुमने? हाँ देखा मैंने। हाउ डेयर यू, तुम हम पे नजर रख रहे हो? यहाँ पे नौकरी करने आई है जासूसी? मैम मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, जो इंदू दादी ने मुझे काम दिया था मैं वही करने आया था। और इनको मैं ऑलरेडी दो बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। जॉन रुको, मेरी बात सुनो। जॉन रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी सर के पास, उनको बताने कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। क्या देखा तुमने? यही कि आप दोनों प्रज्ञा मैम को मारना चाहती थी, और मैं अभी सर को यह भी बताऊंगा कि वो जो झूमर गिरा है वो गिराने गिराया गया है। एक फॉर्म पे साइन चाहिए कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मेरी वजह से हुआ है पूरा, मेरी गलती की वजह से आज हुआ है। तेरी कोई गलती नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, ये सब जो भी हुआ एक हादसा था। नहीं पूरा, मैंने उसे कहा था कि मुझे छोड़कर चली जाए, मैंने उसे अपने से दूर जाने को कहा था, देख आज वो कहाँ है। बकवास बंद कर अभी, ये हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसे होना था। तेरे कुछ कहने या करने से कुछ नहीं हुआ है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। कैसे निकाल दूं यार, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे दादी के वक्त हुआ था। दादी मुझे छोड़कर चली गई, प्रज्ञा मुझे छोड़कर चली गई। तुम पूरा सब ठीक था? प्रज्ञा कैसी है, कहाँ है, मुझे उसे मिलवाना। उनका ज्यादा खून तो नहीं बह गया, ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? इसलिए मैं कह रही थी कि उसे माफ कर दे, उसे वापस ले आ। वो तेरे साथ होती ना तो ये सब नहीं होता। पति पत्नी का भाग्य साथ जुड़ा हो ना तो ये सब मुसीबत नहीं आती है, और अगर आती भी है ना तो चली जाती है। अभी दीदी सही कह रही है, किसी मुसीबत में ना तुम हारे ना प्रज्ञा ने हिम्मत हारी। लेकिन न जाने क्यों आज तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी अपने को खोने का डर हो। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो ठीक है ना, सब सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? बोलो ना अभी, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी बहुत कुछ कर सकता है,
अभी कुछ करने में भले ही देर हो जाए बेटा, लेकिन कुछ कहने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि उसकी तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। पुत्र, मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं होगा। बस ठीक है बेटा, कितना रोएगा, वाहेगुरु सब ठीक है। बड़े लोग ना बहुत बोरिंग होते, बहुत जल्दी नहीं थक जाते। जैसे कि दादी को देख लो, चाचू को देख लो, देखो कितने जल्दी थक गए, दोनों ही सो गए। हाँ, गेम का मजा ही बिगाड़ दिया। मुझे भी सोना है। सानी, तुम भी घर में? मैं इसी रैन का सो रहा था। मैं तो अपनी मम्मा के साथ ही सोगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? मैं उन्हें फोन करती। हाँ, फिर मेरी भी बात करना मेरी मम्मा से। हाँ, फोन नहीं उठा रही। आइडिया, डैडा को फोन लगाती हूँ। हाँ, डैडा का फोन लग नहीं ना, मम्मा फोन उठा नहीं रही। किसी से जरूर बात कर रहे होंगे, बिजी होंगे। ऐसे कैसे, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अब देखना मैं क्या करती हूँ, भाग के घर आएगा वो दोनों। अब किसको फोन लगा रही हो तुम? ड्राइवर अंकल को। कियारा बेबी, ड्राइवर अंकल, मैं डैडा और मम्मा को कब से फोन लगा रही हूँ, वो उठा क्यों नहीं रहे? नहीं उठा पाएंगी, बिजी हैं। अच्छा, मेरा फोन नहीं उठा पाएंगे? हेलो तनु। हेलो निखिल। सो अब क्या नई प्रॉब्लम है तनु? अभी तो तुम्हें मिल गया है ना? तो क्या अभी उसका प्यार पाने के लिए मेरे हेल्प की जरूरत है तुम्हें? सी निखिल, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, इसलिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैं तो हमेशा से ऐसी ही बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम बात कर रही हो ना, मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत है। तो बताओ ना तनु, अभी क्या बेवकूफी की है? नई प्रॉब्लम में फंस गई। Tell me. आज पूरब और दिशा की एनिवर्सरी पार्टी थी। मुझे क्या करना होगा? अपने भूले बिसरे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना करना है निखिल कि कुछ भी करो, जॉन अभी तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। जॉन को अच्छी तरह से पता है कि अभी इस वक्त हॉस्पिटल में, वो वहीं जा रहा होगा। अंकल, आप कहाँ हो? मैं पान खा रहा था। अच्छा अंकल, आप कितनी देर में पहुँचोगे? बस दो मिनट में आया मैं। क्यों, क्या हुआ? अंकल अपने दो मिनट से ऊपर लगाए ना तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी, मुझे बस हॉस्पिटल जाना है। ओ, हॉस्पिटल क्यों? मम्मा हॉस्पिटल में, मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है। अंकल जल्दी आओ। बस मैं आया। आंटी कुछ नहीं होगा। मम्मा,
अब होगी एक कहानी खत्म और दूसरी शुरू। उनको बताने कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। क्या देखा तुमने? यही कि आप दोनों प्रज्ञा मैम को मारना चाहती थी। जिन रिश्तों की तुम बात कर रही हो ना, वो प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खत्म हो गए। क्योंकि तुम्हारे ना अपनों के रिश्तों से ज्यादा अपनों के प्रॉपर्टीज मायने रखते थे। मुसीबत की जड़ ये नहीं तुम हो। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की ना, मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास मेरे दिल में, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है ना कोई प्यार। भाई कितना भी कहे कि वो प्रज्ञा का नाम नहीं सुनना चाहते, प्रज्ञा की शक्ल नहीं देखना चाहते, पर वो आज भी प्रज्ञा की यादों में ही जी रहे हैं। प्रज्ञा की शादी हो गई फिर भी उनके दिल में प्रज्ञा के लिए फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स किसी को भी मारने के लिए काफी है। जो प्रज्ञा को मारना चाहेगा वो भाई की नजरों में जरूर आएगा, फिर चाहे वो उनकी बहन ही क्यों ना हो। ओ गॉड, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैंने क्यों उस दिन तनु को रोका जब वो प्रज्ञा को मारने की बात कर रही थी। व्हाट द हेल, तुमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं? तुम कर क्या रहे हो यार? I mean, कब ढूंढोगे उसे, जब वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा तब? तनु तुम मुझे ना इस तरह सर पे बैठ के ऑर्डर्स मत दिया करो। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं। ये फोन कर दिया और काम खत्म। निखिल भूलो मत, इससे बड़े बड़े काम तुमने पहले किए हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना था तुम्हारा। तनु चुप रहो। किलिंग, मर्डर, क्या क्या नहीं किया तुमने, और बड़े बिजनेसमैन क्या बन गए? एक कोड़ी के नौकर को नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम्हें पता है ना हॉस्पिटल और घर के बीच में एक ही रास्ता है, वहीं पे होगा ना, और कहाँ होगा? और तुम पता नहीं क्या कर रहे हो निखिल। जस्ट शट अप तनु। दिमाग खराब करना बंद करो तुम। और अगर तुम्हें यही करना है ना, तो मैंने गाड़ी रोक दी है। जॉन को ढूंढना बंद कर देते। आके मुझे ढूंढो और मेरे सर पे बैठो और मेरा भेजा खाओ तुम। How dare you, निखिल? How dare you? How dare you? तनुश्री मेहता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, ना तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही नौकर। आई एम अ बिजनेसमैन, तो अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना तुम। यू अंडरस्टैंड? ओके ओके ओके। और एक और बात तनु, वक्त सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बदला है, वक्त मेरा भी बदला है। मुझे अब सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत भी चाहिए। तो अगली बार जब तुम निखिल सूद से बात करो तो जरा इज्जत से करना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तनु? हाँ।
डॉक्टर, ब्लड तो मिल गया था ना उसे, उसे होश आ जाना ही चाहिए था। हम उसे मिल सकते, होश तो आ ही गया होगा ना? नहीं, वो अभी बेहोश ही है। इनफैक्ट ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कांच काफी गहरा चुभ जाने की वजह से उनकी नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से काफी ब्लड बह चुका है, और अब हमें उन्हें ब्लड चढ़ाने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी बॉडी हमारे किसी भी मेडिकेशन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? जल्दी पहुंच जाएं। शॉर्टकट से ही लेके जा रहा हूं मैं। सर, इतना घबराए हुए क्यों? कोई भूत भूत लगाए क्या पीछे? भूत नहीं, डायन है, डायन, वो भी दो की दो। उनसे ही तो बच के निकल रहा हूँ। बेचारा जॉन, क्या नहीं बन सकता था? अरे कुछ नहीं तो मेरा परिवार का हेड सर्वेंट तो बन जाता, लेकिन क्या करें, ये छोटे लोगों की प्रॉब्लम होती है। इन्हें ईमानदारी की बीमारी बचपन से ही लग जाती है, और ये बीमारी उनकी जान लेकर रहती है। ले लिया ना पंगा तन्नू से, अब बेचारे को जान देनी पड़ेगी। प्लीज थोड़ा जल्दी चला दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। पर जान तो मुझे जॉन की लेनी है। ये बेचारा ऑटो वाला क्यों मरे? वैसे भी गेहूं के साथ गुण को पिसना नहीं चाहिए, और मुझे जॉन को बताना भी तो है कि वो क्यों मरा। जॉन, तुम्हें सिटी हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? डोंट वरी अबाउट इट, रॉबिन ने मुझे बताया। थैंक यू सो मच, आप आ गए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ये लो भाई साहब। नहीं, ये लो, थैंक यू सो मच। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आप थैंक यू सो मच, आप इतनी रात को मेरे लिए आए। वो एक्चुअली मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? वो अभी सर को कुछ बताना है तो इसलिए। क्या बताना है? वो मैं अभी सर को ही बताऊंगा। ऐसी भी क्या बात है, किसी का राज तो नहीं खुल रहा है? माता रानी, आपने मेरी हर अरदास पूरी की है, इस बार भी पूरी करना। मेरी बच्ची, मेरी प्रज्ञा को ठीक करना। माता रानी, मैंने आज तक सिर्फ अपने लिए मांगा है, पर आज मैं प्रज्ञा के लिए मांगती हूँ। माता रानी, प्रज्ञा को ठीक कर दो उसे। हे माता रानी, मैं सबके सामने हिम्मत दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत टूट रही है। आप कुछ करो, इस बच्ची के साथ सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है, सबकी खुशियां जुड़ी हुई है। कोई चमत्कार दिखा दो माता रानी, प्रज्ञा को अच्छा कर दो, प्रज्ञा को अच्छा कर दो। माता रानी की अरदास लगाएगा ना तो माता रानी जरूर इसकी सुनेगी। मुझे कोई प्रेवे नहीं करनी, वो भगवान में थोड़ा कम यकीन रखता। नहीं, मैं शायद ज्यादा नहीं, मैं शायद सही सोच रहा हूं। तू जितना भगाएगा, तेरी मौत उतनी ही दर्दनाक होगी।
बाइक। गुड, अब इसकी मौत एक एक्सीडेंट बन जाएगी। एंड यू नो व्हाट, एक्सीडेंट्स आर नॉट अ क्राइम।